हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होगी। तो आप लोगों को भी अगर सन टैन हो गई है धूप में बैठ बैठ के, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग भी धूप में बैठ के बहुत ज़्यादा आपके फेस की सन टैन हो गई, या फिर आपको सर्दी की वजह से आपके जो चीक्स हैं वो थोड़े से फट गए हैं, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ये बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम। क्योंकि आज हम फेशियल करेंगे मलाई का। ये मलाई का फेशियल है, बिल्कुल एकदम अपने घर की मलाई से आप कर सकते हो। किसी तरीके का कोई बाहरी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपके फेस को हार्म्स पहुंचाएगा। तो आज का फेशियल सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आपका बहुत ज़्यादा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखने लगी है धूप में बैठ के, क्योंकि सर्दियों के दिनों में हम सारे लोग धूप में बैठते हैं और धूप में बैठने की वजह से हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो ये आपके लिए है फेशियल। और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा जाना और परखा हुआ नुस्खा है। मैं हमेशा इस नुस्खे को यूज करती हूँ जब भी मेरी सन टैन हो जाती है या मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉट हो जाते हैं, क्योंकि धूप में बैठने से हमें स्पॉट भी पड़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पॉट पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक से पूरे फेस पे, तब भी मैं इसका यूज बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ऑर्गेनिक है, अपने घर की है, इसलिए बहुत ही अपने घर के दूध की निकाली हुई मलाई है। तो इसमें कोई भी कुछ ऐसा नहीं है मिक्स जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो देख लीजिए आप, ये इस तरीके से आप फेशियल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरी स्किन देख लीजिए, ये बिल्कुल सनलाइट में मैं बैठी हुई हूँ और प्रॉपर ये सिर्फ सनलाइट फेस पे पड़ रही है। तो इस तरीके से मेरे धूप से बहुत ज़्यादा फेस रफ हो गया है एकदम, और बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी हो गए हैं। तो मैं आज ये मलाई का फेशियल करूँगी और इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और देख लीजिए, ये मैंने लिया है यहाँ पे रॉ मिल्क। ये हमारी पहली स्टेप है। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रॉ मिल्क लेंगे और अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी फेशियल करते हैं तो क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे फेस पे कोई, वैसे तो मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, ना ही कोई मैंने क्रीम लगाई है, लेकिन फिर भी मैं अपना क्लीन अप जरूर करती हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की भी डस्ट होगी तो इस तरीके से निकल जाती है। और कच्चे दूध से हल्का सा करने से तो पूरा ये जो पोर्स होते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे ओपन पोर्स हो जाते हैं, ये अच्छे तरीके से एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से कॉटन की हेल्प से आप पूरा अपने फेस को क्लीन अप कर लीजिए और अच्छे से क्लीन करना है कि ताकि डस्ट पूरी निकल जाए अच्छी तरीके से और फेस को थोड़ा सा स्मूथनेस मिल जाए। तो अब मैंने इसको कॉटन को हटा दिया, मैं थोड़ी अपनी फिंगर टिप्स से अपने फेस को क्लीन करूँगी, अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करूँगी ताकि जो मैंने मिल्क लगाया है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और मेरा जो फेस इतना रफ हो रहा है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे अभी पहले एकदम सूखी टॉवल ली है, अभी मैं हल्का हल्का सा इसको रब करते हुए इसको पोंछ लूँगी। इससे क्या हुआ कि जो फेस पे डस्ट थी और जो मेरा मिल्क लगा हुआ था वो अच्छी तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर। तो यहाँ पे बिल्कुल गुनगुना पानी हो, मैंने इसी टॉवल को इसी पानी में भिगो दिया है अच्छे से। अब इसको अच्छे से निचोड़ देंगे और निचोड़ने के बाद में इसको अपने फेस पर डालना है। जैसे हम कोई स्टीम लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर वाटर स्टीम ना लेके डायरेक्ट मैंने इस तरीके से स्टीम लिया है। और इस तरीके से स्टीम लेने पे हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और जो भी पोर्स में जो भी गंदगी होती है वो भी हमारी अच्छी तरीके से निकल जाती है। तो हमारे फेस पे जितनी भी डर्ट होगी या भी सन टैन होता है या फिर जो भी फेस पे जो एक परत जैसी जम जाती है, हम धूप में बैठते रहते हैं सर्दियों में, तो अब इसको लगाने के बाद क्या होगा कि मेरा फेस पे जो भी डर्ट होगी वो अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से पहले
अपने पूरे फेस पे लगा के इस तरीके से स्टीम ले ली है, और मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रही है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे जितनी मेरे घर के अंदर एक नेचुरल लाइट आ रही थी, उसी में मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप देख सकते हो कि पहले से और अब में थोड़ा सा फेस अलग अलग सा दिख रहा है। तो अब मेरी स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मलाई, मलाई को मैंने छोटा एक चम्मच लिया है भर के, और इसमें मुझे क्या करना है कि नींबू और मैं रोज़ वाटर को भी मिक्स करूँगी, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो हमारे फेस को टैनिंग टोन करता है। टोन्ड करने से क्या होता है कि हमारे फेस पे जो डर्ट होती है या जो जो सूर्य की किरणों से हमारा फेस झुलस सा जाता है, तो इसमें भी ये बहुत ही कारगर होता है। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है और आधे नींबू को पूरा रस निकाल देना है उसी एक चम्मच मलाई में। तो ये नींबू और मलाई का मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जो सन टैन भी निकालता है और हमारे फेस पे जमी हुई मैल को भी काटता है। दूसरी, ये बिल्कुल एकदम ब्लीच का काम करता है। अगर आपके फेस बहुत ही ज़्यादा डर्टी लग रहा है और आप अटेंडम में कहीं जाना चाहते हो, पार्लर नहीं जा पा रहे हो ब्लीच करवाने के लिए, फेसियल करवाने के लिए, तो आप एक बार इसका ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपने एक बार भी अगर इसका ट्राई किया है तो ये आपको इतना अच्छा इतना अच्छा आपको असर देगा, इतना अच्छा बेनिफिट देगा कि आप इसको बार बार करना चाहोगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फिंगर से लेके अपने फेस पे लगाते जाना है, और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में लगाना है पूरे फेस पे। और उसको लगाने के बाद में फिर इसको थोड़ा हल्का हल्का हाथ से एब्जॉर्ब करना है, फिर थोड़ा थोड़ा लेके, पहले कटोरी में अगर एक चम्मच मलाई तो उसको इकट्ठा हथेली पे नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो ये थोड़ा थोड़े में ये हो जाता है कि ये एक तो गिरता नहीं है। दूसरी चीज़, हम धीरे धीरे स्टेप करते हैं तो हमारे फेस पे जो निखार आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैं जो फेसियल कर रही हूँ, आप देखना लास्ट में जो मैंने आपको स्पीच दी है, जो मैंने आप इस लास्ट में जो मैंने आपको बताया है, उस टाइम पे आप देखना मेरा फेस कितना एकदम ग्लो कर रहा है, जबकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, ओनली पॉन्ड्स का पाउडर लगाया था और बस लिपस्टिक लगाई थी। इसके बाद भी मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा था, आप देखिएगा। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप्स से अपने पूरे फेस को एक टैप करना है अच्छी तरीके से, पूरे फेस को डैब डैब करके सर्कुलर मोशन में, जिस तरीके से हम फेसियल करते हैं तो वो फेसियल वाली सारी स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो मैंने हथेली में जितना प्रोडक्ट लिया था उतना सारा ही मैंने अपने फेस पे एब्जॉर्ब कर लिया, आप देख सकते हो। इससे क्या होता है, जो हमारा फटाफटा सा फेस होता है ना, फेस जो गाल बहुत से लोगों के फट जाते हैं धूप में बैठने से या हवा जब चलती है, तो बहुत ज़्यादा जब सर्दी जाने लगती है और बहुत ही ज़्यादा फेस पे एकदम ऐसे खिंचा खिंचा सा लगता है फेस, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को अगर नींबू सूट नहीं करता है तो वो नींबू को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं नींबू, नींबू न मत डालिएगा आप सिर्फ मलाई और गुलाब जल और ग्रीसलीन से कर लीजिएगा, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। और ये करना किसे, जो 20 एज वाले हैं वो भी कर सकते हैं, 20 एज से कम हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक आप ये समझ लीजिए अगर आप 40 या 35 के भी हो गए हो ना, तब भी आप इसको करोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि आपके फेस पे अच्छा सा एक निखार आएगा। और इस तरीके से आपको करना है तो 2-3 स्टेप ऐसे ही करते जाना है, करते जाना, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है ताकि ये गिरे ना, और थोड़ा सा आँखों को बचा के करना क्योंकि इसमें लेमन है, तो लेमन हमारी आँख में चला जाएगा तो लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आँखों को बचा के कीजिए। सर्कुलर मोशन में कीजिए इसको अच्छी तरीके से, और इसको लिप्स पे भी कर सकते हो। अगर हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं,
बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गए तो आपके लिप्स बहुत अच्छे पिंक हो जाएंगे। ये बहुत ही प्यारा नुस्खा है, अगर आपने 2 से 3 बार कर लोगे ना तो ये आपको बहुत ही ग्लोइंग आपकी स्किन हो जाएगी। और ये अगर आपके हाथ भी धूप में बैठने से काले हो गए हैं, बहुत सारे काम होते हैं हम लोग जो धूप में बैठ के करते हैं सर्दियों में, तो उनसे हाथ पैरों का कलर भी अगर डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा सन टैन हो गई है, तो आप इसका यूज उसके लिए भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया था, और गुनगुना पानी जब मेरा फेस हल्का सा सूखने लग गया था तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके और फिर से स्टैप किया है। इस तरीके से आपको स्टैप करना अपर डायरेक्शन में और लिप्स को भी बहुत अच्छे से करना है मसाज लिप्स की, ताकि हमारे लिप्स भी पिंक पिंक हो जाएं। और जो फट रहे होंगे लिप्स सर्दियों में, हवा चलने से फटते हैं, सर्दियां जब जाने लगती हैं तब बहुत ज़्यादा हवा से लिप्स फट जाते हैं, तो ये उसके लिए नुस्खा बहुत अच्छा है। यानी एक चीज़ और कम से कम 2-4 काम तो इसमें हो ही जाने, एक तो आपका फेस बहुत अच्छे से चमकेगा, दूसरा आपके लिप्स बहुत अच्छे चमकेंगे, तीसरा आपके जो अंडर आइज़ हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। और चौथा काम ये है कि हमारे जो हाथ या पैर सन टैन हो जाती है, काले काले से दिखने लगते हैं, फटे फटे से दिखने लगते हैं, तो अगर आप 2-3 बार इसका मसाज करेंगे इससे, तो ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपके हाथ पैर इतने स्मूथ हो जाएंगे कि बस यही बोलेंगे लोग कि आपने कौन सी क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगर जिनको लेमन से प्रॉब्लम हो तो वो लेमन बिल्कुल यूज़ ना करें, आप लेमन की जगह पे आप संतरे का जूस ले सकते हो लेमन की जगह पे, या फिर आप ग्रीसलिन ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है स्किन तो आप ग्रीसलिन के साथ भी कर लीजिए, बहुत मस्त वाला ये फेसियल है। और मुझे तो पिंपल्स हो जाते हैं या फिर मुझे बहुत ज़्यादा धूप में बैठने से ब्लैक ब्लैक से निशान पड़ने लगते हैं फेस पे, बहुत ज़्यादा से तिल तिल से हो जाते हैं, तो ये मेरे तो वो भी चले जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको करके देखिए आपको फ़ायदा होता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। अब ये टॉवल है जिसको मैंने भिगोया था पहले गुनगुने पानी में, दोबारा से गुनगुने पानी से इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि हम इसको ठंडे पानी से साफ़ नहीं करेंगे। गुनगुने पानी से साफ़ करने पे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, एंड जो भी ये मलाई का टेक्सचर होता है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाता है और हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी स्मूथनेस देता है। और मेरे घर में जितनी लाइट आ रही थी मैंने उसी सनलाइट में ही मैंने इसका बनाया है वीडियो को, तो इसमें मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं ओपन किया है क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी उस दिन, इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने अच्छी तरीके से पूरा फेसियल डन कर लिया है, पूरा फेस अच्छी तरीके से हो गया साफ। तो मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, अब आप देखिएगा मेरी जो स्किन जो है वो थोड़ी सी लाइट हो रही है इस पर। अभी आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी अभी आपको, और मैं अपने हाथों को भी साफ कर रही हूँ। अब जो प्रोडक्ट बचा हो तो वो अपने हाथों पे आप यूज कर सकते हो, तो जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट बच गया है, थोड़ी सी मलाई बच गई है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से हाथों पे भी अपने यूज करूँगी, क्योंकि हाथों का भी चमकना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इस तरीके से आप हाथों पे भी कर सकते हो, खूब अच्छी तरीके से हाथों की भी मसाज करो, हाथ भी इतने स्मूथ दिखने लग जाएंगे। तो है ना, बिल्कुल फ्री में हाथ पैरों को चमकाने का तरीका अच्छा है। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। मलाई का इस्तेमाल करना तो अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन नींबू के साथ में अगर मलाई का इस्तेमाल करोगे आप तो ये आपकी सन टैनिंग को अच्छे से रिमूव करेगा, एंड आपके अगर पिंपल्स हो चुके हैं तो उनके दाग धब्बों को भी ये अच्छे से साफ कर देता है।
तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों की भी मसाज कर ली है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, फेशियल तो हो चुका है, लेकिन फेशियल करने के बाद में मैं या तो एलोवेरा जेल लगाती हूँ या रोज़ वाटर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी फेस पैक लगाएं या किसी तरीके का अगर आप होम रेमेडी फेशियल करते हैं तो इस टाइप से ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा आप। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को टोंड कर दिया है, यानी मतलब मैंने रोज़ वाटर लगाया है अच्छे से डैब डैब करके, ताकि मेरा जो फेस है वो अच्छे से ग्लो करे एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस मुझे महसूस हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा फेस जो है या मेरे चीक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट दिख रहे थे मुझे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिख रहे थे। ऐसे मैं पकड़ के देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हूँ। तो मेरे एक दो पिंपल्स भी निकले हुए थे, मैं अभी आपको दिखा रही थी, लेकिन पिंपल्स के लिए भी तो गाइस बहुत आप अच्छे हो लोगों गए को थे। कैसा और लगा यहाँ पे हमारा ये देखिएगा, ये फेशियल, मैंने फेशियल बहुत करने ही के चंद बाद मिनटों मैंने में ये हो जाएगा। क्लिप अगर आपके शूट पास की थी, काम और है जिसमें बहुत मैंने ज़्यादा सिर्फ और और आप सिर्फ अपनी केयर नहीं पॉन्ड्स कर का पाते हो पाउडर लगाया तो था, ये थोड़ा सा घर की लिपस्टिक मलाई के लगाई, घूमते आप फिरते खुद आप देख घर में लीजिए। अपने आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी झंझट नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और हाथ भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। आप कोई भी बॉडी लोशन लगा लीजिए लेकिन आपके हाथ इतने चमकदार इतने स्मूथ नहीं लगेंगे। अगर आप मलाई से अपने हाथों की मसाज करते रहोगे तो आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे, फिर उन पर अच्छे से नेल पेंट लगाइएगा, बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। तो आप जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये मलाई का फेसियल कैसा लगा, नुस्खा मेरा कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो अगली मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय।